आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कार्बोकोटाइन के टॉपिक में अगला पार्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ रखा है कि जो हमारे पास कार्बोकोटाइन होती है वो एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, और इसके 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने के कारण यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो इसको वो सब ही स्टेबलाइज करने वाले हैं जो इस पर क्या कर सकें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकें। लेकिन चलो सर, इतना तो हमें समझ में आ चुका है कि जो जो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा। लेकिन सवाल ये है कि सर, हम अगर इसकी स्टेबिलिटी के सवाल करेंगे तो किस ऑर्डर में हमें देखना है, और आखिरकार टाइप्स ऑफ कार्बोकोटाइन कैसे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि एरोमेटिक कार्बोकोटाइन कौन सा होता है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकोटाइन कौन सा होता है, डांसिंग रेजोनेंस एक स्पेशल केस होता है उसकी बात करेंगे, फिर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। इसको एकदम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखो, अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूँ एरोमेटिक कार्बोकोटाइन की, फिर मैं इन सब का आपस में एक ऑर्डर बता दूंगा, उस ऑर्डर को आप याद कर लेना, और आपके जितने भी सवाल होंगे उस ऑर्डर पे ही चलने वाले हैं। अगर मैं एरोमेटिक कार्बोकोटाइन की बात करूंगा तो हमारे पास एरोमेटिक कार्बोकोटाइन कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपने इस तरीके से बनाया और यहाँ पर आपने पॉजिटिव लगाया। अब अगर आप इस सिस्टम को देखोगे तो ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ये जो सिस्टम है ये आपके पास 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक है, कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। तो हम बोलेंगे ये सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम है। तो ये जो कार्बन पर प्लस आया है ये भी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोकोटाइन। आपको थोड़ा बहुत एरोमेटिक की नॉलेज होनी चाहिए तभी जाके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जिसको एरोमेटिसिटी के बारे में पता नहीं है, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उसको एक बार स्टडी कर लेना, और फ्यूचर में मैं उसकी वीडियोज बना दूंगा, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब मैं अगर दूसरे कार्बोकोटाइन की बात करता हूं तो हम लोग कुछ इस तरीके से 7 मेंबर रिंग बनाते हैं, इस तरीके से, और हम इसको भी बोलेंगे एरोमेटिक कार्बोकोटाइन। कैसे, देखो यहां पर कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आपके पास 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हमने पढ़ा था 2, 6, 10, 14, 18, इस तरीके के जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं वो एरोमेटिक सिस्टम होते हैं। तो आपके पास ये भी क्या है, एरोमेटिक कार्बोकोटाइन है। तो हम यही बोल रहे हैं ये जो एरोमेटिक कार्बोकोटाइन है इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे अभी डिटेल में। पहले एक बार हम लोग सारे कार्बोकोटाइन को एक बार जान लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे यहाँ पर दोनों में कंपेरिजन कराता हूँ कि बताइए कि हमारे पास ये नंबर 1 है और हमारे पास ये नंबर 2 है, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी कैसे होगी। सबसे पहले मैं एक सेपरेट केसेस लेता हूँ, फिर सारे केसेस को मैं मिला दूंगा। अगर मैं इस केसेस में बात करूँगा तो आप मुझे बताना फर्स्ट और सेकेंड में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो आप बोलोगे सर, जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। आपको मैंने सिखाया था, याद करो, जब रेजोनेंस पढ़ाता तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाया था, तो आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लोगे। ऐसे ही आप इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लोगे। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको एक नज़र में ही पता चल जाएगा, इस वाले केस में 3 कार्बन है, इस वाले केस में 7 कार्बन है, तो यहाँ पर चार्ज का डिस्पर्जन ज़्यादा होगा, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे। और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं हम लोग बोल सकते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे पास चार्ज का डिस्पर्जन होता है, और जहाँ पर चार्ज का डिस्पर्जन ज़्यादा होता है वहाँ पर सिस्टम स्टेबिलिटी भी ज़्यादा गेन करता है। तो हम बोलेंगे कि जो सेकंड वाला कार्बोकोटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले कार्बोकोटाइन के। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इस वाले केस में ये 7 हुई कार्बन पर प्लस चार्ज बटेगा। मतलब अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊँ, थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप का समझ लो हर तरीके से, तो यहाँ पर हर जगह क्या जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इस पे +1/3 होगा, इस पे भी +1/3 होगा, और इस पर भी +1/3 होगा। जब आपने रेजोनेंस बनाया होगा तब आपको बहुत अच्छे से मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाया होगा। यहाँ पर सब पे प्लस होगा इस तरीके से। अब एक पर कार्बन एटम कितना होगा, +1/7, +1/7, सभी कार्बन एटम पे +1/7 का चार्ज होगा, ठीक। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो गया हमारे पास एरोमेटिक कार्बोकोटाइन का। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो होते हैं डांसिंग रेजोनेंस। अब अगर मैं आपसे डांसिंग रेजोनेंस की बात करता हूँ
तो डांसिंग रेजोनेंस में हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका नाम होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोटाइन। देखो ऐसा होता है, ये आपके पास क्या है, CH2+ है, इसका नाम होता है हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोटाइन। अब अगर हमें इसकी बात करता हूं तो आपको मैंने अभी अभी टाइप्स पढ़ाया था और टाइप्स में ये एग्जांपल दिया था और एग्जांपल मैंने आपको बताया था ये जो कार्बोटाइन है ये नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन है। कैसा कार्बोटाइन है? नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन है। तो इन कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी हम लोग रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से नहीं दे सकते। इसकी स्टेबिलिटी हम लोग कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमने कॉन्सेप्ट समझना है सर, आखिरकार डांसिंग रेजोनेंस का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर इस रिंग के अंदर क्या है, स्ट्रेन बहुत है, तो इस रिंग के अंदर स्ट्रेन होने के कारण जो आपको पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ऐसे होते हैं पी ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हुए, तो एक्चुअली आपको वो पी ऑर्बिटल इस तरीके से ना दिखकर, मैं जो ऐसे बनाने जा रहा हूं उस तरीके से समझना, ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, मतलब बेंट हो जाते हैं इस तरीके से, ऐसे यहां पर होगा। और यहां पर कार्बोटाइन का क्या है, प्लस चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर देते हैं इस तरीके से, ये इसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं और इसीलिए इसको हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। अगर मैं इसके थोड़े से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के समझाऊं तो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के ऐसे समझ सकते हैं। देखो यहां पर CH2+ है, तो यहां पर ये जो बेंट पी ऑर्बिटल था ये वाला यहां पर शिफ्ट करेगा, तो आपके पास इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तो केस आप ये समझ सकते हो, ठीक है। अब ये वाला केस अगर समझ में आ गया तो ऐसे ही आप इस वाले केस में भी समझ सकते हो। तो ये आप लोग इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाली बात हो गई। तो सबसे पहले एरोमेटिक कार्बोटाइन हो गया, उसके बाद दूसरा डांसिंग रेजोनेंस हो गया। अब हम तीसरी बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस या फिर IIT कैटायन, जो कि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होता है। तो अब हम थर्ड बात करते हैं बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोटाइन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है। देखो इस वाले कार्बोटाइन में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास CH3 है, O है और यहाँ पर CH2+ है। तो इस कार्बन की अगर मैं स्टेबिलिटी की पीछे लॉजिक समझता हूँ, रीजन समझता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पर एडजेसेंट पे क्या है, लोन पेयर है। तो आप लोगों ने बैक बॉन्डिंग पढ़ी होगी। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कंडीशन, कि एक एटम पर आपके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे ही एडजेसेंट एटम पर क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये जो कार्बोटाइन होते हैं ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड कार्बोटाइन होते हैं, बहुत अच्छी खासी स्टेबिलिटी होती है। तो ये जैसे ही यहां पर दे देगा वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये बात हो गई। तो बस ये एग्जांपल होते हैं, जैसे अगर मान लो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ CH3NHCH2+, इस वाले में आपको बताना है कि ये नंबर अगर 1 है और ये नंबर अगर 2 है तो दोनों में स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो अब आप देखोगे दोनों ही आपके पास IIT कैटायन है। अब देखो मैं इसको एक स्पेशल नाम दे देता हूँ IIT कैटायन का। अब IIT कैटायन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल IIT अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है इनको इन्वॉल्व करके। तो आज के बाद हम ऐसे वालों को याद रखेंगे IIT कैटायन, जब ये हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर नाइट्रोजन भी लोन पर देगा, तो दोनों ही IIT कैटायन है। अब सवाल ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा आसानी से डोनेशन कौन करेगा। तो ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या करेगा, लेस डोनेशन करेगा या लेस अवेलेबल हो पाएगा। तो हम बोलेंगे सेकंड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आपको बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज वाले का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स स्टेबलाइज होते हैं। हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली, एरोमेटिक कार्बोटाइन की बात कर ली, हम लोगों ने डांसिंग रेजोनेंस की बात कर ली, और हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोटाइन की बात कर ली। जो फोर्थ नंबर होता है वो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स में हमें पता है तीन फैक्टर्स होते हैं, एक रेजोनेंस होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इंडक्टिव होता है,
जिसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और फिर इंडक्टिव होता है। अब हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो आपको पता है इन वाले सभी केसेस में एक तो होगा आपके पास प्लस आर, प्लस एच और प्लस आई। ये जितने भी होते हैं ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो अब आप खुद बताइए, अगर मैं किसी पर प्लस आर प्लस एच और प्लस आई लगाता हूं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, तो हम बोलेंगे उस केस में हमारे पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है, कार्बोकैटायन की उस केस में हमारे पास स्टेबिलिटी इंक्रीज होने वाली है। ये पॉइंट बहुत बहुत अच्छे से समझना है। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो इसको हमने अप्लाई भी किया था इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम। जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तो हमने डिटेल में क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाया था, लेकिन अब हम रेजोनेंस भी लगाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले आप मेन टॉपिक समझ लो कि आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखने के लिए चार बातें होती हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपस में सब में कंपेरिजन करते हैं, मतलब हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑर्डर की बात करते हैं। अब एक बार अगर हम वो ऑर्डर सीख जाएंगे तो हम उसके बाद उसी ही ऑर्डर को लगाने वाले हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी चेक करने के लिए एरोमेटिक कार्बोकैटायन देखना है। एरोमेटिक कार्बोकैटायन मतलब जो एरोमेटिक कार्बोकैटायन होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होते हैं, सबसे पहले नंबर पर, क्योंकि एरोमेटिसिटी है ऐसी शक्ति। दूसरे नंबर पर हमारे पास होते हैं डांसिंग रेजोनेंस वाले, जिसमें फेमस एग्जांपल ही होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में CPM भी लिख सकता हूं, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास होते हैं बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, या इसको मैंने अभी अभी एक नाम दिया है IIT कैटायन, याद रखना आज के बाद इस वाले कॉन्सेप्ट को। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स स्टेबलाइज्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स में आपको ऑर्डर बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा प्लस आर है, उसके बाद प्लस एच है, उसके बाद प्लस आई है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब आज के बाद अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करनी है तो हमेशा इस तरीके से करना है। अब अगर मैं लास्ट में एक और लिख दूं तो मैं बोलूंगा एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन, क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक या फिर लास्ट में एंटी एरोमेटिक, मतलब जो एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन होगा वो सबसे कम स्टेबलाइज्ड होगा। तो ये तो हमने चलो प्रॉपर एक थ्योरी पढ़ ली है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं और लास्ट में एक मैं पूरा ऑर्डर लिखाता हूं। तो अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन के क्वेश्चंस की। जितने भी मैं यहां क्वेश्चंस कराऊंगा वो सब अपने आप में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लेके रखे होंगे, उस सबको समझना अच्छे से। उसके बाद फिर हम कोई भी क्वेश्चन कार्बोकैटायन का कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो जो मैं आपको चार कैटेगरी में बांटना सिखाया हूँ, क्या आप उसमें बांट पा रहे हो। तो देखो ये दोनों हमारे पास क्या है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो मैं सबसे पहले बोल सकता हूँ ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन है और ये हमारे पास क्या है, एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन है। तो हम बोलेंगे एरोमेटिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक, तो ये तो हमारे पास सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 3। अब अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो अभी अभी मैंने सिखाया था, यदि दोनों ही एरोमेटिक हैं तो जिसमें चार्ज का डिस्पर्जन ज्यादा होगा तो उस वाले ही केस में आपके पास स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो ये आपके पास नंबर 1 हो जाएगा और ये आपके पास नंबर 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक ओवरऑल ऑर्डर आपके पास इस क्वेश्चन का आ जाएगा। अब अगर मैं इन क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो ये जो कार्बोकैटायन है ये आपके पास क्या है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन है। ये जो कार्बोकैटायन है ये आपसे किससे रिलेटेड है, डांसिंग रेजोनेंस से रिलेटेड है, मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की केस में होगा ये। और ये जो कार्बोकैटायन होते हैं ये देखो ध्यान से, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब जिसमें आप लोग बात करोगे प्लस आर की बात करोगे। तो अब आप खुद सोचो, सबसे पहले एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, फिर डांसिंग रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन है और फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। तो हम बोलेंगे इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे पास एरोमेटिक कार्बोकैटायन की होगी, उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस वाले की होगी और लास्ट में हमारे पास रेजोनेंसिंग स्टेबलाइज्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स वालों की स्टेबिलिटी होगी। इस क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, CPM है, आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर दो रिंग बढ़ा दी हैं और यहाँ पर 3, तो मतलब हम बोलेंगे इस वाले केस में जो एक्सटेंट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया।
अगर एक्सटेंट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस इंक्रीज हो गया तो वहां पर स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बोलेंगे ये नंबर वन, ये नंबर टू और ये नंबर थ्री। अब इन सवालों की बात करते हैं। देखो ये दोनों ही क्या हैं, आईआईटी कैटायन हैं, दोनों ही इसके बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हैं। लेकिन अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कितने अल्फा एच आपको दिख रहे हैं, तीन अल्फा एच आपको दिख रहे हैं इसके साथ। यहाँ पर कितने देखेंगे, यहाँ पर आपको छः अल्फा एच दिखेंगे। तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों ही आईआईटी कैटायन तो हैं, लेकिन अब इसमें जो दूसरा फैक्टर है वो हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, तो इसमें छः अल्फा एच है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। ये देखो ये आपका एक क्या है, लीनियर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज है, मतलब यहाँ पर भी क्या है, रेजोनेंस है। इस वाले केस में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, रेजोनेंस है। इस वाले केस में बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सिस्टम को समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस में समझाने जा रहा हूँ। इनको हम बोलते हैं एराइल कार्बोकैटायन और जिनकी बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं होती है। अब आप सोचोगे सर यहाँ तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन अगर बेंजीन कुछ ऐसे है तो ये पॉजिटिव इसके परपेंडिकुलर है, अगर बेंजीन कुछ ऐसे है तो ये पॉजिटिव इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने की वजह से यहां पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो हम बोलेंगे यह sp2 कार्बन एटम पे है और हमें पता है परसेंट s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हम बोलेंगे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, यही वो वजह है जिसकी वजह से एराइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो हम आराम से बोल सकते हैं इन दोनों में रेजोनेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर लगने से ये हो जाएगा आपके पास नंबर थर्ड। अब सवाल आ रहा है इन दोनों में, ये दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, लेकिन आप खुद देखो यहाँ पर कैसा कॉन्जुगेशन है, लीनियर कॉन्जुगेशन है। और मैंने आपको बोला था कि जहाँ पर जितना ज़्यादा लंबा कॉन्जुगेशन होता है वहाँ पर स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है, तो आपके पास ये नंबर वन हो जाएगा और ये नंबर टू हो जाएगा। सारे ही सवाल बहुत प्यारे सवाल हैं। तो क्या आपको इस कार्बोकैटायन के बारे में कुछ कुछ समझ में आया, आ गया होगा, इनकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर अभी बेंजाइलिक हैं, वो एराइल थे, ये कुछ ऐसा ही लग रहा है, इनका नाम होता है बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेंजाइल पोजीशन तो आप जानते होंगे, तो ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है। अब यहाँ पर ये रेजोनेंस लेंगे, देखो यहाँ पर भी रेजोनेंस मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये डिसाइड करेंगे कि कौन ज़्यादा देंगे। तो सबसे पहले इनके प्लस एम और माइनस आई होता है, ये आपको पता ही है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स और ग्रुप का पता ही होना चाहिए, जो आपने जीओसी पे समय बिताया है। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं है। OH का प्लस एम माइनस आई होता है और यहाँ पर भी, तो प्लस एम डोमिनेट होते हैं दोनों के। अब दोनों में ज़्यादा अच्छा प्लस एम किसका होगा, तो वो ज़्यादा रिंग पर इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ाएगा, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन का ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये डोनेशन करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से बढ़ाते हुए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। तो हम बोलेंगे ये हमारे पास आ जाएगा नंबर वन और ये आ जाएगा हमारे पास नंबर टू। इन सवालों की बात करते हैं, नंबर सेवन। देखो इस सवाल में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान देखना, यहाँ पर अल्फा एच देख लो आप। सबसे पहले कितने अल्फा एच हैं, चार अल्फा एच हैं, चार। इस वाले केस में कितने हैं, चार, और यहाँ पर कितने हैं, तीन, सात। और इस वाले में अल्फा एच कितना है, एक। बस पहला आंसर तो यहीं से आ जाएगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये आपके पास कैसा है, 2 डिग्री है, ये आपके पास कैसा है, 3 डिग्री है, और ये आपके पास कैसा है, 1 डिग्री है। हमने जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तो उस ही केस में समझा था कि 1 डिग्री सबसे कम स्टेबलाइज होते हैं और 3 डिग्री सबसे ज़्यादा। तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर वन, नंबर टू एंड लास्ट में ये नंबर थ्री। तो ये कुछ बेहतरीन सवाल थे, अब हम कुछ और बेहतरीन से सवाल देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन सवालों की। तो इन सवालों में अगर मैं सबसे पहले सवाल की बात करता हूँ तो आपको दिख रहा है ये आपके पास एराइल कार्बोकैटायन है, मतलब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ये OCH3 ग्रुप होंगे वो इसके ऊपर क्या लगा पाएंगे, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगा पाएंगे। नोट कर लो, एराइल कार्बोकैटायन पर कभी भी रेजोनेंस किसी भी ग्रुप का नहीं लगता, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, सिर्फ इंडक्टिव लगता है। और अगर ये इंडक्टिव लगेगा तो इस तरीके से आप तीनों ही ग्रुप को ध्यान से देखो, और इंडक्टिव कैसा कॉन्सेप्ट होता है, डीएनपी होता है, डिस्टेंस नंबर पावर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि इनका डिस्टेंस, ये माइनस आई लगाते हैं, सबसे ज़्यादा दूर कौन है,
जो सबसे ज्यादा दूर होगा उसी की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये माइनस आई है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, तो ये जितना ज्यादा दूर होंगे उतनी ही ज्यादा वहां पर स्टेबिलिटी होगी। तो हम बोलेंगे इस वाले केस में हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी क्योंकि ये सबसे दूर है। उसके बाद हमारे पास इस वाले केस में स्टेबिलिटी हो जाएगी और लास्ट में हमारे पास इस वाले केस में हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन अपने आप पे अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आप जल्दबाजी में यहाँ पर क्या लगाओगे, रेजोनेंस वगैरह लगाओगे तो वहाँ दिक्कत दे दोगे, लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं, यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट चेक करेंगे जब भी एराइल कार्बोटाइन की बात करेंगे। वहीं पर अगर मैं इस सवाल की बात करता हूँ तो ये एग्जाम्पल होते हैं बेंजाइल कार्बोटाइन, और बेंजाइल कार्बोटाइन केस में आपके पास रेजोनेंस होगा तो अब आप वही जो लगाओ, यहाँ पर देखो क्या होगा, प्लस एम और माइनस आई, जिसमें प्लस एम डोमिनेटिंग है। यहाँ पर मेटा पर सिर्फ क्या होता है, माइनस आई, ये बात तो एकदम पुरानी बात है, कोई रही नहीं है, और यहाँ पर ये जो है वो क्या होगा, प्लस एम माइनस आई। अब आप देखो इन तीनों ही केस में ये माइनस आई दिखा रहा है और ये प्लस एम भी दिखा रहे हैं, तो हम बोलेंगे सबसे कम स्टेबिलिटी हो जाएगी इस वाले की। अब अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो इन दोनों में प्लस एम है बिल्कुल, इसमें भी प्लस एम है बिल्कुल, तो प्लस एम तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, माइनस आई तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो माइनस आई के बेसिस पर आएगा। आप बोलोगे इस वाले केस में माइनस आई ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा पास में है, यहां पर डिस्टेंस दूर है तो माइनस आई क्या होगा, कम होगा, माइनस आई कम, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कार्बोटाइन की, तो हम बोलेंगे इस वाले कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इस वाले की और लास्ट में इस वाले। क्या सवाल समझ में आया, दोनों ही सवालों में फर्क है इसलिए मैंने एक साथ दिया है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखो इस वाले केस में बहुत ही सिंपल है, यहां पर NO2 है और NO2 में पता है क्या लगाता है, माइनस एम माइनस आई, यहां पर कुछ है ही नहीं, यहां पर ये लगाएगा प्लस एम माइनस आई, बस सवाल खत्म हो गया। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, कार्बन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास हो जाएंगे नंबर वन, ये हो जाएंगे हमारे पास नंबर टू, और लास्ट में ये हो जाएंगे हमारे पास नंबर थ्री। इस सवाल की बात करते हैं, अब इस सवाल में हमारे पास क्या हुआ, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये वन डिग्री है, ये थ्री डिग्री है और ये टू डिग्री है, सही बात है, इससे तो इंटरेस्टिंग क्या होगा, आपके सामने वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री आ रहा है, तो आप बोलोगे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है थ्री डिग्री की, फिर होती है आपके पास टू डिग्री की, और लास्ट में होती है आपके पास, या तो आप अल्फा एच कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब देखो आज का सवाल, ये सवाल वो सवाल है जो पूरी YouTube की मार्केट में मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ बताया जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करूँगा, देखो यहाँ पर वन है यहाँ पर टू है, अगर मैं एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करता हूँ तो हमारे पास ये होना चाहिए, यहाँ पर क्या लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, देखो इस तरीके से, यहाँ पर इन एम ई का क्या लग रहा है, यहाँ पर इस तरीके से प्लस एच और प्लस आई, ये भी बात बिल्कुल सही है, और हमें पता है रेजोनेंस इज मच पावरफुल इफेक्ट देन रेजोनेंस हाइपर कन्वेक्शन देन इंडक्टिव हाइपर कन्वेक्शन, तो हम बोलेंगे सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी फर्स्ट से, और जो कि क्या है, गलत। हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो करेक्ट ऑर्डर होता है हमारे पास फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। अब सुनो, सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि सिर्फ इस ही के लिए है, और अगर आप इसमें कुछ भी बदलाव कर देते हो, कोई भी इथाइल ग्रुप लगा देते हो, कुछ भी लगा देते हो, चेंज हो जाएगा ऑर्डर, फिर तो यही रहेगा, सिर्फ इस वाले केस के लिए है जहां पर आपके पास अल्फा एच कितने होंगे, 9, और हम ऐसे ही समझ सकते हैं, और तो ज्यादा क्या ही करेंगे, समझना ही पड़ेगा कि जहां पर अल्फा एच 9 होंगे वो इसके रेजोनेंस पे डोमिनेट कर जाएगा, देखो कितनी गजब वाली बात है। अब आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझो, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी, वैसा ही कुछ हुआ है, अल्फा एच 9 थे तो जिसकी वजह से यहां पर हमारे पास क्या हो गया, इस रेजोनेंस से ज्यादा डोमिनेट कर गया। अब किसी को अगर रेफरेंस वगैरह चाहिए होगी तो आप उसके पीछे मत भागो, मैंने बहुत रिसर्च वगैरह, बहुत स्टडी, बहुत सारी बुक्स देख के तब जाके मैं आपको ये ऑर्डर सारे बता रहा हूं। तो एकदम बिल्कुल सही है यहां पर कि 3 डिग्री वाला जो होता है सिर्फ यही 3 डिग्री वाला और कोई नहीं भैया, अब फिर रट मत लेना कि 3 डिग्री वाला बन जाए से, अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे, इथाइल वगैरह लगा देंगे तो वहाँ गलत हो जाएगा, यही होगा बस, ठीक है, ये आ गया। तो अब ज़्यादा इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया में कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन होता है आप लोग की तरह, वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ अगर बात करते हैं तो देखो दोनों में ही रेजोनेंस है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन यहाँ पर कैसा रेजोनेंस है, लीनियर कॉन्जुगेशन है, मतलब ज़्यादा लंबा कॉन्जुगेशन है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इसके। इस सवाल की बात करते हैं, अब इस सवाल में क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, देखो ये वाला कैसा है, एरोमेटिक,
ये वाला कैसा है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और ये वाला कैसा है एराइल कार्बोकेटाइन, और एराइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है क्योंकि यहाँ पर क्या है sp2 कार्बन पर लगा है, तो हम बोलेंगे ये नंबर 3 स्टेबलाइज्ड है, ये नंबर 2 स्टेबलाइज्ड है, और नंबर 1 स्टेबलाइज्ड ये है। ये वाली बात उम्मीद करता हूँ आप लोग को सबको समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इन क्वेश्चंस की। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर हम पहली बार ऐसे कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो अगर मैं इस पहले वाले को देखता हूँ तो आप बोलोगे सर एक तरीके से इसको दो जगह से इंडक्टिव मिल रहा है, इंडक्टिव की बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। और यहाँ पर अगर मैं देखते हैं तो यहाँ पर हमें इसको तीन तरफ से इंडक्टिव मिल रहा है, या तो आप ऐसे समझ लो या तो फिर आप अल्फा एच कैलकुलेट कर लो। तो कुल मिला के आप बोलोगे सर अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो जब यहाँ से मैं फर्स्ट और सेकंड के आपसे एक्सपेक्टेड ऑर्डर के बारे में पूछूंगा तो आप बोलोगे सर जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होगा उसमें सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी फर्स्ट से। बिल्कुल सही बात है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर आपका आंसर यही आना चाहिए था, लेकिन ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। आपके पास जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो करेक्ट ऑर्डर होगा फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है सेकंड से। देखो एक तो एक्सेप्शन वो हो गया और ये लेकिन एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बोटाइन होते हैं ये ब्रिज हेड कार्बोटाइन होते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब आप लोग पूछोगे सर आखिरकार ये ब्रिज हेड कार्बोटाइन का मतलब क्या है, तो आप याद करो मैंने आपको आयुपैक नेमिंग पढ़ाई थी और आयुपैक नेमिंग मैंने आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड पढ़ाए थे बाईसाइक्लो कंपाउंड मैंने आपको ब्रिज हेड पोजिशन की बात की थी। तो मुझे बताइए क्या आपको इस कंपाउंड में ब्रिज हेड पोजिशन समझ में आ रही है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये और ये ब्रिज हेड पोजिशन है, ये और ये ब्रिज हेड पोजिशन है। तो हम आज के बाद हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ब्रेट्स रूल। देखो ज़्यादा तो मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा, इसका मैं एक अलग से सेपरेट लेक्चर बाद में कभी बनाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ ब्रेट्स रूल के बारे में एक जानकारी आप इकट्ठी कर लो कि आपके पास यदि कोई ऐसा सिस्टम हो, आपको पता है आप ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हो, तो ये पोजिशन क्या है ब्रिज हेड पोजिशन है, तो ब्रिज हेड पोजिशन पर कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यही था ब्रेट्स रूल, बस आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जान लो रूल क्या है, ब्रिज हेड पोजिशन पर कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होने का मतलब क्या है, कार्बोकेटाइन का बनना भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और एल्कीन का बनना भी पॉसिबल नहीं है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। देखने में तो लग रहा है यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी है, लेकिन हमें एक ब्रेट्स रूल के कॉन्सेप्ट को याद रखना है। डिटेल लेक्चर अभी नहीं, बाद में, बहुत शेड्यूल बिजी चल रहा है अपना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कराने हैं, तो इसको हम पढ़ लेंगे डिटेल में। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सवाल, क्या आपको पहला सवाल समझ में आ चुका अच्छे से, तो उसमें ब्रेट्स रूल आपको लगाना है। अब ये रूल है भैया, कभी भी टूटा जा सकता है, तो दिल पे ज़्यादा नहीं लेना। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आप बोलोगे सर ये तो कार्बोटाइन दोनों ही ब्रिज हेड पोजीशन पर हैं, तो अब इसमें स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, तो देखो दोनों ही अनस्टेबल हमें पता है, लेकिन जब दोनों ही अनस्टेबल सिस्टम है तो कोई तो एक स्टेबल सिस्टम होगा इनमें, तो हम बोलेंगे इस वाले में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। देखो यहाँ पर इस ब्रिज पर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है और यहाँ पर कितने हैं, दो हैं, ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पिछले वाले के, और अगर फ्लेक्सिबल ज़्यादा होगा तो ये आपको sp2 बनाने की इसके कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा इच्छा रखता होगा, है ना। तो हम बोलेंगे इस वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इस वाले की स्टेबिलिटी कम है, तो आप हमेशा ये देख लो वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब मैं इस वाले केस की बात करता हूँ, तो बस ये सेम ही केस है यहाँ पर, आपको पता ना इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और अरे भाई पढ़ाया था मैंने, ऐसे ही तो लिख सकते हैं इसको, ब्रिज हेड पोजिशन यही फिर सम से इसकी बात करते हैं, बस वही सेम, दोनों ब्रिज हेड कार्बन हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। अब एक लास्ट सवाल की और बात करते हैं। देखो ये आप बोलोगे सर पता नहीं ये कैसे लिखा है, तो आप एक पॉइंट समझो कि हम लोग जो भी एरोमेटिक हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उसको इस फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, आप जरा अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास 3 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, एरोमेटिक है, तो आप इसको डिनोट कुछ ऐसे कर सकते हो, ऐसे इस तरीके से,
ये बीच में प्लस का मतलब एक पॉजिटिव दिखा रहा है, और पूरा गोले का मतलब है यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोटेन है। ऐसे ही मैं इस वाले केस को ये दिखा सकता हूँ, ये तो आप याद ही कर लो, काम आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे और इस पूरे पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव यहाँ पे भी है, तो इसकी वजह से एक पॉजिटिव आ गया, और पूरे गोले का मतलब है क्या, एरोमेटिक होगा, तो आपको अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स लगाने पड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो अगर जब ये बन गया तो आपको पता है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बस ये सवाल हो गए। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोटाइन होता है, एरोमेटिक प्लस डांसिंग रेजोनेंस। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोटाइन होता है वो केस होता है हमारे पास एरोमेटिक प्लस डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके पास सिस्टम एरोमेटिक तो है ही, देखो साथ में डांसिंग रेजोनेंस भी है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन है। ये बस आपकी जानकारी के लिए मैंने आखिरी में बता दिया। तो अब हम एक फाइनल एंड लास्ट ऑर्डर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, आप उसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा ताकि आपके नोट सही बन जाए। तो ये है हमारे पास एक ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन। तो देखो एक बार बता देता हूँ मैं, सबसे पहले आपके पास ये जो कार्बोटाइन है ये कैसे कार्बोटाइन है, एरोमेटिक कार्बोटाइन है, और हमें पता है एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये वाला कार्बोटाइन आपके पास डांसिंग रेजोनेंस वाला कार्बोटाइन है, डांसिंग रेजोनेंस। यह है जो कार्बोटाइन है, यह है आपके पास आईआईटी कैटायन है, मैंने बताया था ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसका देखो ये है आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यहाँ पर तीन फिनाइल रिंग स्टेबिलिटी प्रदान कर रही हैं। और यहाँ पर है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में सिर्फ ये 3 डिग्री वाला, ये सिर्फ 3 डिग्री वाला इस बेंजाइल से ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। और ये अभी भी क्या है, रेजोनेंस वाला ही केस चल रहा है आपके पास, बस बीच में आ चुका है एक्सेप्शन, लास्ट में फिर ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के द्वारा स्टेबलाइज्ड, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और क्या होगा, इंडक्टिव, कौन से वाले, प्लस वाले। और फिर ये देखो एराइल कार्बोटाइन आपके पास, ये वाला विनाइल कार्बोकेटाइन, इन दोनों की स्टेबिलिटी हम लोग परसेंट एस करेक्टर से बताते हैं। और ये वाला हमारे पास है एंटी एरोमेटिक कार्बोटाइन। तो ये है हमारे पास एक ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन। तो ये हमारे पास पूरी कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड बातें हो चुकी हैं। अब जो आपका अगला लेक्चर है वो आपको रीअरेंजमेंट से रिलेटेड प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये लेक्चर जिस दिन भी मैं डालूंगा, या तो आज शाम को अपलोड जाएगा या कल तक अपलोड होगा, जैसे ही अपलोड होगा वैसे ही आपको सीधे प्लेलिस्ट चेक करनी है विद इन 24 आवर, क्योंकि फिर सिक्वेंस में आपको कम से कम 15 लेक्चर्स मिलने वाले हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के। ऑलरेडी सारे के सारे लेक्चर बने हैं और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने दोबारा चेक किया था, बस एक कार्बिन की जगह अगर कुछ मिस्टेक होगी मैं वो सही करवा लूँगा, कमेंट में आप देख लेना। लेकिन आप ये समझो कि आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की रिएक्शन इंटरमीडिएट के इंट्रोडक्शन से, फिर हमने कार्बोटाइन पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें पहला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया, दूसरा लेक्चर ये है, तीसरा लेक्चर आपका रीअरेंजमेंट का है, जो कि एक सिस्टमेटिक वे में आपको प्लेलिस्ट जब जाओगे तो प्लेलिस्ट में 2 सेक्शन में मिल जाएंगे लेक्चर्स। या तो आप GOC2 करके खोल लो, रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसमें सिक्वेंस में मिल जाएंगे विद इन 24 आवर, या फिर आपको वो जो अपनी नीट आई आई टी जेई वाली चल रही प्लेलिस्ट उसमें मिल जाएंगे, लेकिन आप इसमें चेक कर लेना। जैसे ही आप ये सब देख लोगे, करीब 12-15 लेक्चर हैं, जैसे ही आप ये सब देख लोगे वैसे ही मैं आपका रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कर दूंगा, ये सबसे बड़ी बात है। और वो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो आज तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया, बहुत बेहतरीन वाला। तो आप ईमानदारी से ये सारे ही लेक्चर देखना, अगर आप रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्किप कर दोगे आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरी जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पुरानी चीज़ों से रिलेट करते ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप खुद देखो हमने ऑलरेडी 50+ लेक्चर्स पढ़ रखे हैं, क्या सारे लेक्चर्स में कनेक्टिविटी है या नहीं है, सब में कनेक्टिविटी है। आपको किस दिन से स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, और आज देखो आपको कहाँ तक पहुँचा दिया। तो रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर भी बनाऊंगा
कि रिएक्शन मैकेनिज्म से आखिरकार हमें समझना क्या है, सीखना क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, रीअरेंजमेंट का लेक्चर बना हुआ है, आप देख लेना। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।